मित्रों नमस्कार, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टमाटर की वैज्ञानिक विधि से खेती कैसे करें इसके संबंध में पीपीटी के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि किसान भाई हमारे अक्सर खेती जब करते हैं तो कुछ न कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी पैदावार कम होती है। तो अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने हैं, क्या करने हैं, उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी दूँगा। और साथ ही जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टमाटर एक व्यावसायिक फसल हो चुकी है और इसको सभी लोग उगाते हैं। पहले टमाटर आपको मौसम के हिसाब से जाड़े में ही मिला करता था या फिर उधर गर्मी में मिलता था, लेकिन अब टमाटर पूरे वर्ष भर मिलता है, जिसका मुख्य कारण है कि इसकी खेती पॉली हाउस के अंदर भी हो रही है और इसको मैदान से लेकर के पहाड़ों तक सभी स्थानों में उगाया जा रहा है। तो इसकी पैदावार पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ी है। आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। और ये तो आप जानते हैं कि टमाटर हम क्यों खाते हैं। टमाटर के अंदर जैसा कि आप जानते हैं विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो एक ऑक्सीडेंट का काम करता है और जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। टमाटर बेसिकली गर्मी ऋतु का पौधा है, लेकिन इसको सभी स्थानों पर ठंडे इलाके से लेकर गर्म स्थानों पर उगाया जाता है। ये दिवस उदासीन है, कहने का मतलब है कि इसको आप किसी भी मौसम में उगा सकते हैं, इस पर प्रभाव सूर्य के प्रकाश का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से और भी इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है और इसको अधिकांश हम सलाद के रूप में केचप बनाने के प्रोसेसिंग के लिए इसको उपयोग करते हैं और इसका केचप निर्यात भी किया जाता है और घरों में भी इसका प्रयोग होता है। तो किसान भाइयों, आज के लेक्चर में मैं आपको टमाटर की वैज्ञानिक विधि से कैसे खेती की जाए के संबंध में पीपीटी के माध्यम से बताना जा रहा हूँ। मित्रों, आपका आज के लेक्चर में स्वागत है। मैं आपको टमाटर की वैज्ञानिक विधि से कैसे खेती करें इसके संबंध में बताने जा रहा हूँ। टमाटर का वानस्पतिक नाम सौरन लाइकोपर्सिकॉन या लाइकोपर्सिकॉन स्कुलेंटम है। ये फैमिली सोलेनेसी का है। इसके अंदर 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका, विशेषकर पीरू, बोलिविया और इक्वेडोर क्षेत्र है। टमाटर की उत्पत्ति के एवं इतिहास के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। टमाटर की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के पीरू जिले में पीरू स्थान पर हुई है, जहाँ पर इसकी जंगली प्रजातियाँ बहुत पाई जाती हैं। यह यूरोप में पहुँचा और मैक्सिको में भी पहुँचा है। इसकी अलग अलग वैज्ञानिकों के मत हैं। टमाटर की खेती का श्रेय मैक्सिको को जाता है, जहाँ इसकी खेती 1554 में प्रथम बार प्रचलन में आई। इसका प्रथम रिकॉर्ड अमेरिका में 1710 में पाया गया एवं 1830 ईस्वी में अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि टमाटर की उत्पत्ति यूरोप से हुई है। प्रथम रिकॉर्ड इटली में इसका 1554 में मिला। वर्तमान टमाटर की उत्पत्ति जैनकिन 1948 के अनुसार मैक्सिको से हुई है। मैथ्यूलस ने 1554 में बनाए गए अपने हर्बेरियम में इस फसल का जिक्र किया है, जिसको उसने पोमी डी आरोप नाम दिया, जिसका अर्थ है गोल्डन एप्पल। सर्वप्रथम यूरोप के वैज्ञानिकों ने मैथ्यूलस के द्वारा बनाए गए हर्बेरियम में इसका विवरण पाया और वहीं से यह पौधा अन्य देशों में प्रसारित हुआ। यूरोप से यह अमेरिका पहुँचा, अमेरिका से कनाडा आदि देशों में सैलानियों के द्वारा पहुँचाया गया। सर्वप्रथम अमेरिका के वैज्ञानिक जेफरसन ने 1781 ईस्वी में टमाटर का उपयोग सब्जी के रूप में प्रथम बार किया। अमेरिका में 17वीं शताब्दी तक इसे शोभाकारी पौधे के रूप में उगाते जाता रहा है। अधिकांश लोग इसे हानिकारक पौधा मानते थे, एक बहुत सी बीमारियां जैसे कैंसर आदि का कारण मानते हैं। 17वीं शताब्दी के पश्चात टमाटर की खेती का उपयोग होने लगा, इसको सलाद एवं सब्जी के रूप में जाने लगे। भारत में इसे पुर्तगालियों के द्वारा 1493 ईस्वी में लाया गया।
सामान्य रूप से टमाटर तो देखे तो कई प्रकार का होता है। इसमें चार प्रकार के टमाटर बताए गए हैं। पहला है सामान्य टमाटर, जिसको सोलेनम लाइकोपर्सिकान या लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम कहते हैं। दूसरा है हस्क टोमेटो, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइसलिस प्यूएसेंस है। तीसरा ट्री टोमेटो कहते हैं इसको, साइकोमेंड्रा सेटुसिया, ये निचले पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसका फल लाल रंग का होता है, जो बैंगन से काफ़ी मिलता जुलता है लेकिन देखने में टमाटर जैसा लगता है, इसीलिए इस लोग टी टोमेटो के नाम से कहते हैं। चौथा है टोमेटीला, जिसको वैज्ञानिक नाम फाइसलिस कार्पा या फाइसलिस एक्जोकार्पा है और ये दक्षिण भारत में पाया जाता है। इन चारों के कुछ सामान्य गुण भी यहाँ दिए हैं। जो सामान्य टमाटर लाइकोपर्सिकान स्पुलेंटम या सोलेनम लाइकोपर्सिकान है, इसकी उत्पत्ति मैक्सिको से हुई है। इसमें हरे लाल रंग के फल छोटे आकार के होते हैं और बीज के द्वारा इसका प्रबोधन होता है। हस्क टोमेटो, इसका अधिक प्रचलन में नहीं है नाम। इसके फल पीले रंग के होते हैं और फल छोटे बेरी के आकार के होते हैं और इनका प्रबोधन बीज के द्वारा होता है। तीसरा है ट्री टोमेटो, ये निचले पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसके फल गुलाबी से गहरे लाल रंग के होते हैं और फल मध्यम आकार के 30 से 40 ग्राम का होता है और ये बीज के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है इसका। और चौथा टोमेटीला के नाम से है, ये नीलगिरी पर्वतों पर बहुत मिलता है। इसके फल बैंगनी रंग के होते हैं और इसके फल छोटे होते हैं बैंगनी और इसका प्रपोगेशन कटिंग या कर्तन के द्वारा किया जाता है। भारतवर्ष में टमाटर का क्षेत्रफल उत्पादन उत्पादकता यहाँ सारणी में दी गई है। अगर इसको आप देखें ध्यान से तो 1991-92 में हमारा क्षेत्रफल 2889.1 हजार हेक्टेयर था, जो कि 14 में बढ़कर 2014-15 में 767 हजार हेक्टेयर पहुंच गया। उसी प्रकार से 1991-92 में उत्पादन 4,243 हजार मीट्रिक टन था और उत्पादकता 14.7 थी, जो वर्तमान में 2014-15 में 21.34 टन प्रति हेक्टेयर है। ये विश्व में इसका टमाटर का रिकॉर्ड देखा जाए तो चीन के बाद टमाटर दूसरे नंबर पर आता है और इसकी उत्पादकता 20.7 है संसार में और इसकी शेयर, भारत की शेयर 11.2% आंकी गई है। सबसे कम 10 देशों का आंकड़ा लिया गया, जिसमें सबसे कम ईरान और सबसे अधिक चीन, जिसमें भारत दूसरे नंबर पर है। इसमें इसका क्षेत्रफल, उत्पादन, उत्पादकता और पूरा शेयर कितना है उसके बारे में आंकड़ा दिया गया है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। न्यूट्रिशन के हिसाब से इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें टोटल शुगर 2.5 से लेकर 4.5% होती है, रिड्यूसिंग शुगर 1.5 से 3.5, कार्बोहाइड्रेट 0.6 से 1.2, सॉलिड सॉलिड्स 4 से 7%, विटामिन सी 15 से 30 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम खाने योग्य, 7.5 से 10.5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, टैटेटिव एसिडिटी पाई जाती है, सिट्रिक एसिड 450 मिलीग्राम माइक्रोग्राम से लेकर 1400 माइक्रोग्राम होता है और टोटल अमीनो एसिड 100 से लेकर 350 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाए जाते हैं। पानी की नमी की क्वांटिटी में 25 से 250 मिलीग्राम होती है। एनर्जी, फलों में 100 ग्राम फल खाते हैं उसमें 23 किलो ऊर्जा प्राप्त होती है, 94.1% पानी पाया जाता है, 4.0 कार्बोहाइड्रेट, 0.3% फैट, 1.0 प्रोटीन, विटामिन ए 1100 इंटरनेशनल यूनिट और विटामिन सी 23 मिलीग्राम
फिर 100 ग्राम इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए बी नियासिन पेंटोसिक एसिड विटामिन ई बायोटिन नियासिन मैलिक एसिड सिट्रिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड सोडियम पोटेशियम सबसे अधिक पाया जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन कॉपर मैग्नीज फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। टमाटर में बहुत सारे पिगमेंट या लवक पाए जाते हैं जिसमें लाइकोपिन का प्रमुख स्थान है और लाइकोपिन दवाओं के काम भी आता है। हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों में लाइकोपिन का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए टमाटर खाने वाले को उसका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि उसमें विटामिन ए और विटामिन सी और लाइकोपिन मिलता है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव फूड भी कहा गया है। कैरोटीन से पर्याप्त मात्रा में होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्लूकोइलक्लोराइड होता है, टोमेटिन एंथोसाइनिन कार्बो कैरोटीन और एक रसायन इसमें आई बी ए 246 पाया जाता है जिसका मुख्य काम है कि यदि आप गमले में एक पौधा लगा करके अपने कमरे में रख देते हैं तो ये इसको महक से पौधे की महक से मच्छर आपके कमरे में नहीं रहेंगे। दूसरा इसका प्रयोग किया गया था कि यदि इसके पौधे का रस निकाल करके उस रस को कमरे में या किसी स्थान घर में छिड़कते हैं तो उससे मच्छर भाग जाते हैं और इसका भी 1986 में ये पेपर में आया था उसी वहीं से संदर्भ लिया गया है। टमाटर की अच्छी पैदावार लेने के लिए आप भूमि की कैसी आवश्यकता होगी, आप किस प्रकार की भूमि से, वैसे तो टमाटर की खेती प्रत्येक किस्म की भूमि में ले सकते हैं लेकिन जो हल्की मिट्टी होती है उसमें अच्छी फसल होती है मटियार दोमट या दोमट भूमि इसके लिए बहुत अच्छी होती है जिसका पीएच मान 5.5 से 6.8 के मध्य होता है, उचित जल निकास होना चाहिए और अगर आपके पास भारी भूमि है तो उसमें भी टमाटर की खेती कर सकते हैं। उसमें खेती करने के लिए आपको हल्की और भारी दोनों प्रकार की भूमि में गोबर की पर्याप्त मात्रा में खाद का प्रयोग करके आप अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। जलवायु संबंधी आंकड़ों के अनुसार से इसको 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है बीज के अंकुरण के लिए और पुष्प आने के लिए 17 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। औसतन टमाटर को 21 से 24 डिग्री सेल्सियस अच्छे फसल के लिए उपयुक्त पाया गया है। जब वातावरण का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो उस पर परागकणों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उसमें फलों की आकृति विकृत होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि नवंबर दिसंबर के महीने में जो फसल लगाई जाती है और उसके फल जब जनवरी के महीने में आते हैं तो एक तो उनमें बीज नहीं बनता है, दूसरे फल टेढ़े मेढ़े या निपली हुए होते हैं। इसी प्रकार से जब वातावरण का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो उसके परागकण सूख जाते हैं और परागकण सूखने की वजह से उसमें परागकिया पूरी तरह से नहीं हो पाती है और फलों का रंग जो लाल होना आना चाहिए था वो तापमान की अधिकता के कारण सफ़ेद या पीला हो जाता है, इसलिए उसमें लाइकोपिन का नहीं बनता है और फल पीले रंग के बनते हैं जो कैरोटीन बनने की वजह से होता है। टमाटर की बहुत सारी प्रजातियां पाई गई हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत ऑल इंडिया क्वालिटेटिव वेजिटेबल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत ICR ने बहुत सारी प्रजातियां इसमें निकाली हैं। अब तक सब्जी की 86 प्रजातियां निकाली गई हैं जिसमें टोटल सब्जी की 477 प्रजातियां हैं और उनमें से टमाटर की 86 प्रजातियां हैं जिसमें संकर प्रजातियां 38 और 7 प्रजातियां रेजिस्टेंट जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों कीड़ों के लिए और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंट हैं और 41 OP वैरायटी हैं और ये आंकड़ा आपका वर्ष 2014 तक का है। इसके बाद भी प्रजातियां निकाली गई हैं जिसका अभी आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाया है। उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर मैं सामान्य प्रजातियों के विषय में आपको बता रहा हूँ। इसमें 3 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, एक परमित, दूसरी अपरमित और तीसरी अपरमित। परमित से मतलब है कि पौधे की वृद्धि एक निश्चित समय तक होती रहती है
और एक समान दूरी पर जाकर के उसकी जो टर्मिनल बर्ड होती है वेजिटेटिव बर्ड, वो फ्लावर बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और दो फ्लावर क्लस्टर के बीच में पत्ती या तो जीरो होगी या एक हो सकती है। तो इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है या वृद्धि होती है उसको पर्मिक वृद्धि कहते हैं। दूसरी है अल्प पर्मिक वृद्धि, इसमें पौधे की वृद्धि लगातार धीमी गति से होती रहती है और पौधे के अंदर जो दो फूलों के गुच्छे होते हैं उसके बीच में दो पत्तियां पाई जाती हैं। और तीसरी अपरिमित वृद्धि वाली होती है, इसके अंतर्गत पौधा लगातार बढ़ता रहता है और पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसमें दो पुष्प गुच्छों के बीच में तीन पत्तियां सामान्यतः पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से वृद्धि के हिसाब से टमाटर की तीन प्रकार की प्रजातियाँ संकर प्रजातियों में भी और सामान्य प्रजातियों में पाई जाती हैं, परमित वृद्धि वाली, अल्प परमित वृद्धि वाली और अपरमित वृद्धि वाली। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारी प्रजातियाँ जिसमें हिसार अरुण, हिसार अनमोल, पंजाब छुआरा, आजार T2, नरे T2, पूसा सलावार, पूसा शीतल, पूसा गौरव, मैरुतम, अरकारो, काशी अमृत, ये सब परमित किस्म यानी कि बौनी टाइप प्रजातियाँ हैं। दूसरे किस्म की जो अल्प परमित वृद्धि वाली है जिसमें पंत T3, अर्का विकास, अर्का सौरभ, हिसार ललित, पूसा शीतल, अर्का आहुति, पूसा सिलेक्शन 120, अर्का आभा, HS 110, शक्ति CO2, ये सारी प्रजातियाँ सामान्य प्रकृति की हैं और अल्प परमित वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। और तीसरी प्रकार की प्रजातियाँ हैं अपरमित। अपरमित वृद्धि का मतलब है कि लगातार वृद्धि होती रहती है, उनमें पौधे में रुकावट नहीं आती है। इसमें पंत बहार, पूषा रूबी, कल्याणपुर अंगूर लता, नरेंद्र टमाटर 1, मार्गलो, पूषा उपहार, उत्कल कुमारी जिसको BT10 के नाम से इसको टेस्ट किया गया था, उत्कल उर्वशी जिसको BT12 के नाम से टेस्ट किया गया, अर्का मेघाली, शू और पंत T1, ये सब आइडेंटिफाइड वैरायटी हैं जो कि ICR के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंतर ऑल इंडिया क्वालिटी वेजिटेबल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत इनका आइडेंटिफिकेशन किया गया है। और अभी पंतनगर विश्वविद्यालय से दो प्रजातियां पंत पॉली हाउस टमाटर 2 पहली बार देश में विकसित की गई है। इस प्रकार से एक हाइब्रिड भी पंत पॉली हाउस टमाटर नंबर 1 विकसित किया गया है। अब टमाटर की संकर प्रजातियों में संकर प्रजातियाँ भी इसी प्रकार से पर्वत वृद्धि वाली, अपर्वत वृद्धि वाली और अपर्वत वृद्धि वाली होती हैं। तो पर्वत वृद्धि वाली प्रजातियों में रूपाली, MTH 15, BSS 20, पूषा शंकर 2, पूषा शंकर 6, अर्का अभिजीत, श्रेष्ठा इत्यादि ये सब प्रजातियाँ हैं। इसी तरह से अल्प पर्वत में पूषा शंकर 2, ARTH 3, पूषा शंकर 4, पूषा शंकर 1, DARL 304। अपरमित वाली में पंत पॉली हाउस शंकर टमाटर 1, अविनाश 2, ARTH 4, नवीन, पूषा दिव्या, MTH 6, KT1, NA 601 आदि प्रजातियाँ इसके अंतर्गत विकसित की गई। अब बात आती है कि तापमान के अनुसार कौन कौन सी ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनको आप प्रतिरोधक अवस्था में भी उगा सकते हैं, जिसमें पूषा शीतल है ये 1990 में विकसित की गई और रिलीज की किसानों के लिए और ये 8 डिग्री सेल्सियस रात के तापमान पर अच्छी फलन देती है। पूषा शंकर टमाटर 1 1992 में किसानों के लिए अनुमोदित हुई है, ये 28 डिग्री सेल्सियस पर रात का तापमान अगर होता है तो ये अच्छी फसल देती है। इसी तरह से पूषा सदावार 1998 में किसानों के लिए अनुमोदित की गई जिसका न्यूनतम एवं अधिक तापमान 6 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य ये अच्छी फसल देती है। पंतबहार 1985 में किसानों के लिए अनुमोदित की गई जिसमें न्यूनतम तापमान 20 और यहाँ से पंतनगर से पंतबहार, पंत T3, पंत T1 टमाटर की प्रजातियाँ विकसित की गई जो देश विदेशों में अच्छी फल और पैदावार दे रही हैं। पंत T3 1987 में विकसित हुई
जिसको कि कम ताप पर भी ये जाड़े वाले जो फसल है उसमें अच्छी फलक देती है और 8 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसकी फलक अच्छी पाई गई है। इसके अतिरिक्त आईसीआर से उषा से एक वरायटी बालकर के नाम से निकाली गई जिसमें न्यूनतम ताप 8 से 28 डिग्री सेल्सियस पर फलक देता है और जिसके पौधे सीधे इरेक्ट होते हैं। पौधे का आकार मध्यम 50 सेंटीमीटर तक होता है और साथ ही इसमें जो फल आते हैं वो छोटे होते हैं। पंचकीर्ति के फल काफ़ी बड़े हैं जिसमें 85 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक का फल पाया गया है। अब बात आती है कि टमाटर का बीज कितना लगे। ये क्षेत्रफल के हिसाब से हम टमाटर का बीज यहाँ पर दिया गया है। सामान्य प्रजातियों में 350 से 450 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर प्रजातियों में 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर। यदि आप पॉलीथीन में पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं तो 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 3.5 ग्राम से 4.5 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी और संकर प्रजाति की 2 ग्राम से 2.5 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात आती है खाद और उर्वरक या पोषक तत्व कितने देने चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाद जितनी भी सब्जी की फसलें हैं उसमें आप गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट का अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसकी पैदावार अच्छी मिलेगी और उसकी गुणवत्ता जो फल आएंगे उसकी अच्छी होती है। रासायनिक उर्वरकों का अगर हम उपयोग कम करें तो उसे अच्छी फसल मिल तो जाती है लेकिन उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि हम उर्वरक खाद जो हैं हमारे देसी खाद कहना चाहिए कंपोस्ट खाद गोबर की खाद उसका उपयोग ज़्यादा करें जिसको ऑर्गेनिक खाद के रूप में भी जाना जाता है और आजकल ऑर्गेनिक खाद के ऊपर काफ़ी चर्चा भी चल रही है। लोग ऑर्गेनिक खेती पर बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो इसमें मैं एक हेक्टेयर खेत के लिए 200 से 250 कुंतल सड़ी हुई गोबर की खाद होना चाहिए और इस खाद को आप टमाटर की जो आपने खेत में जुताई करी है उस जुताई करने के कम से कम 30 दिन पहले डाल करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। यदि आप तुरंत इसको डालते हैं तो कभी कभी कच्चा गोबर रह जाता है और कच्चा गोबर रहने की वजह से खेतों में दीमक लग जाती है। तो इसलिए गोबर की खाद का जब प्रयोग करें तो आप कम से कम खेत तैयार करने से 20-25 दिन पहले खेत में डालिए और उसके बाद आप नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश जिसमें टमाटर के लिए 100 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश की संस्तुति की गई है। इसके अतिरिक्त जो भारी भूमि है या बहुत हल्की भूमि है उनमें जिंक सल्फेट की और बोरन की कमी पाई जाती है बोरन तत्व की, तो उसके लिए आप 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 10 किलोग्राम बोरिक एसिड या बोरेक्स प्रति हेक्टर के हिसाब से भी दे सकते हैं। और जितनी आपको नाइट्रोजन बताई गई है उस नाइट्रोजन का आधा भाग आप खेत की तैयारी के समय पर बेसल्टेस के रूप में और संपूर्ण फास्फोरस और पोटाश साथ में जिंक और बोरिक एसिड या बोरेक्स इसको रोपाई से पहले खेत में डाल देते हैं और सीधे बाद में जो आपकी नाइट्रोजन बचती है उसको दो भागों में बांट के 1/4 भाग रोपाई के 30 दिन बाद और दूसरा भाग साठने की अवस्था पर खड़ी फसल में देकर टॉपरेशन के रूप में देना चाहिए। बीज की बुआई के हिसाब से देखो और रोपाई के हिसाब से देखा है तो ये अलग अलग क्षेत्रों में इसका बुआई का और रोपाई का समय अलग अलग है। मैदानी क्षेत्रों में टमाटर की बेसिकतर उत्तर भारत में 3 फसलें ली जाती हैं। एक फसल तो वर्षाकालीन फसल कहलाती है, दूसरी जाड़े वाली फसल कहलाती है या आटा क्रॉप करते हैं और तीसरी जो है ग्रीष्मकालीन या बसंतकालीन फसल है। तो जो मैदानी क्षेत्रों में हम लेते हैं रबी वाली फसल या शरदकालीन फसल इसकी मध्य सितंबर में इसकी बुआई करनी चाहिए और लगभग 30-35 दिन पौधे तैयार हो जाते हैं तो 15 अक्टूबर के आसपास इसकी पौधों की रोपाई कर देनी चाहिए। और तराई की तरह भावर के क्षेत्रों में बीज की बुआई सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक 15 सितंबर से 15 अक्टूबर कर सकते हैं और रोपाई 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक कर सकते हैं। निचले पहाड़ी क्षेत्रों में बीज की बुआई सितंबर में और रोपाई अक्टूबर में कर सकते हैं। घाटियों में सितंबर में जो बीज की बुआई और अक्टूबर में पौधों की रोपाई कर सकते हैं। मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में
मध्य फरवरी से लेकर मध्य मार्च तक और पौधों की रोपाई मध्य मार्च से मध्य अप्रैल तक की जाती है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में पौधों बीज की बुआई मार्च अप्रैल में और रोपाई अप्रैल मई में की जाती है। अब ये सामने आपके पौधशाला में क्यारी का निर्माण किस तरह से करेंगे आप मित्रों, इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि टमाटर के लिए जो आप क्यारी बनाते हैं वो ज़मीन से उठी हुई होनी चाहिए। उसकी लंबाई आप अपनी आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई 1 मीटर रखी जाती है और 2 नालियों के बीच में सिंचाई की नाली रखी जाती है, जिससे कि उसमें बैठ करके आप इस क्यारी की निराई गुड़ाई भी कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर इसमें सिंचाई के, पौधे छोटे होते हैं तो उस समय इसमें पानी भर दिया जाता है और सीपेज के माध्यम से ये पानी क्यारी के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से ये क्यारी के एक खाका या लेआउट बनाया गया है। अब है पौधशाला में गोबर की खाद डालना, किस तरह से आप डालेंगे ये सामने आपको दिखाया गया है। इसमें 10 से 15 किलो गोबर की खाद प्रति 10 मीटर के हिसाब से या 2 से 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आप खाद गोबर की खाद डालते हैं और इसको अच्छी भली भांति से मिट्टी में मिला देते हैं। यद्यपि यहाँ पर जो गोबर की खाद आपको दिखाई दे रही है इसमें काफ़ी मोटे मोटे आपको ढेले दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के नहीं होने चाहिए। इसको गोबर की खाद को डालने से पूर्व अच्छी भली भांति से इसको आप पीस लें और पीसने के बाद इसको छलनी से छान करके बारीक जो नीचे खाद आपकी आएगी उस खाद का प्रयोग करना चाहिए तो आपकी पौधशाला अच्छी तैयार होगी। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि ये विभिन्न प्रकार की हम पॉलीथीन डालते हैं तो इसमें किस प्रकार की पॉलीथीन बीज के अंकुरण को अच्छा करती है, तो इसमें सफ़ेद जो पॉलीथीन है इसका प्रभाव सबसे अच्छा पाया गया और उसके बाद जो है पीले रंग की पॉलीथीन जिसमें जर्मिनेशन अच्छा हुआ। अब बीज की बुआई का इसका डिटेल मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब बीज की बुआई करते हैं अभी आज आपकी क्यारी तैयार हो जाती है तो तैयारी करने से पहले आप उसमें 8 से 10 सेंटीमीटर दूरी पर ये कतारें बनी हुई हैं जो 1 से 2 सेंटीमीटर गहरी होती है और इन्हीं कतारों में बीज की बुआई की जाती है। अब बीज का उपचार, जो भी बीज आप बोने जा रहे हैं उस बीज का उपचार अवश्य करना चाहिए और उपचार के लिए आप ट्राइकोडर्मा या रसायन विधि या कैप्टॉन विधि या गर्म पानी से भी इसकी कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा 1 किलो बीज के लिए आप 8 से 10 ग्राम बीज ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता पड़ती है। इस ट्राइकोडर्मा को मिलाने से पहले आप बीज को थोड़ा भिगो दीजिए और भिगोने के बाद उसमें ट्राइकोडर्मा मिला दीजिए और उसके बाद उसको छाया में सुखाइए, उसके बाद फिर बुवाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि यदि आपको ट्राइकोडर्मा नहीं मिलता है तो आप थायराम 2 से 3 ग्राम मात्रा लेकर के उसे 1 किलो बीज में मिलाने और मिलाने के लिए आप घड़े का मिट्टी के घड़े का प्रयोग करेंगे तो उससे आपको अधिक फायदा होगा, क्योंकि किसी प्लेट में या टोकरी में या बाल्टी में लेकर के आप उसमें बीज में दवा मिलाते हैं तो वो बीज में दवा ठीक से मिल नहीं पाती है जिसकी वजह से उसके अंकुरों पर भी प्रभाव पड़ता है और दवाई आपके हाथों में भी लग जाती है। तीसरा है, यदि थायराम नहीं मिलता है तो आप कैप्टॉन का प्रयोग कर सकते हैं। और एक चौथा भी है, उस विशेष परिस्थितियों में इसका किया जाता है गर्म पानी से 55 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि पानी को गर्म करके ठंडा होने दीजिए और जब उंगली सहने योग्य हो जाए तो उसमें 10-15 मिनट के लिए बीज को एक पतले कपड़े की उसमें बांध गांठ में बांध करके पोटली उस गर्म पानी के अंदर डाल दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद फिर उसे निकाल दीजिए और 10 मिनट के बाद उसको छाया में सुखा दीजिए। छाया में जब वो पूरी तरह से 1-2 घंटे में सूख जाता है तो सूखने के बाद में फिर उसकी आप बुवाई कर सकते हैं। ये दिखाया गया है आपको, एक ये काला बीज दिखाई दे रहा है और एक ये सफ़ेद बीज है। इसका कारण यह है कि इस बीज को जो है प्लास्टिक के या कंटेनर या सीमेंट के कंटेनर में निकाला गया है जिसकी वजह से ये बीज आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा है और इससे पहले वाला जो बीज था आपको काला दिखाई दे रहा था उसको लोहे की बाल्टी में दिखाया गया, जिसके कारण बीज क्योंकि इसमें एसिड होता है और एसिड की वजह से लोहे से संपर्क में आने के बाद बीज काला पड़ जाता है।
इसलिए आप जो अगर बीज अपनी प्रजाति के निकालते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बीज निकालने के लिए सीमेंटेड या प्लास्टिक से बने डब्बों या कंटेनरों का प्रयोग करना चाहिए, या ड्रमों का प्रयोग करना चाहिए, या सीमेंट से बनी हुई नानों का प्रयोग करना चाहिए। अब ये दिखाया गया आपको गुफानुमा, बीज बोने के बाद में आप किस तरह से, ये देखिए ये ट्रा, ये इसको गुफानुमा पौधशाला बनाने जा रही है। जाड़े के दिनों में विशेषकर ये तापमान कम होता है और बुआई दिसंबर में की जाती है, तो उस समय के लिए ये आपको दिखाया जा रहा है। इस तरह पर बीज को बोने के बाद में ये परवार डाल रखे, परवार के ऊपर ये ऊपर से इसको चढ़ा रहे हैं मिट्टी को, और उसके बाद फिर इसके ढके देंगे तो इससे ये पूरी तरह से एयर टाइट हो जाएगा और तापमान इसके अंदर जो अंकुरण टमाटर के लिए चाहिए तापमान उतना मिलता रहेगा और टमाटर आराम से जम जाएगा बीज से। अब ये आपके सामने टमाटर की पौध है जो खुले में बोई गई थी और इस प्रकार से ये सितंबर में बोई गई बीज से पौध आपको अक्टूबर के महीने में तैयार हो जाती है। और इसके बाद इसमें ध्यान रखें कि जब पौधे में बीज बोने के बाद ये पौधे निकलते हैं तो इसमें 10 से 15 इंच में सेंटीमीटर का पौधा होता है, उस समय इसकी जिसमें 5-6 पत्ती आ जाती हैं तो पौधा रोपाई के योग्य हो जाता है। तो इसको फिर आप रोपाई कर सकते हैं। और हार्डनिंग के लिए क्या करना चाहिए इसको मैं पहले बता चुका हूँ कि पोटेशियम नाइट्रेट का दिसंबर को पोटेशियम का गोल बना के इस पर हार्डनिंग भी आप कर सकते हैं। अब बात आती है पौधरोपण की दूरी। पौधरोपण की दूरी करने के लिए आप क्या करें कि परिमित वृद्धि इनकी जो प्रजातियाँ होती हैं उसके अनुसार इनकी रोपाई की दूरी भी अलग अलग होती है। तो रोपाई करने के लिए जो सामान्य प्रजातियाँ हैं उन जो बोनी किस्में हैं या परमित वृद्धि वाली वृद्धि है उनको 45 सेंटीमीटर दूरी पर कतारें बनाएं और कतारों में 45 सेंटीमीटर दूरी पर ही पौधों की रोपाई करें, और जो अल्प परमित हैं उनको 60 सेंटीमीटर कतार बनाएं और कतारों में 30 सेंटीमीटर दूरी पर बुआई करें। अब परमित वृद्धि वाली जो है उनको 60 सेंटीमीटर दूरी पर कतार बनाएं और 45 सेंटीमीटर दूरी पर पौधों की रोपाई करें। तो इस तरह से ये अलग अलग दिखाया गया है कतारों की दूरी, परमित में 45, इसमें 60, इसमें भी 60, पौधे से पौधे की दूरी 45 परमिट में, अल्प परमिट में 30 सेंटीमीटर और अपरमिट में 45 सेंटीमीटर। संकर प्रजातियों में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बनाएं और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं, और जो अल्प परमिट होती हैं उनके 75 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बनाते हैं और 45 सेंटीमीटर दूरी पर पौधों की रोपाई करते हैं। इसी तरह से अपरमित जो डीए वाले हैं उसमें 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार बनाते हैं और कतारों में 60 सेंटीमीटर पौधों की रोपाई की जाती है। बूस्टर डोज या पौधों का उपचार, ये क्या है? रोपाई से पूर्व जब पौधों को किसी भी प्रकार का उपचार देते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं उसको हम बूस्टर कहते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों में आदमी के जो बच्चे हैं उनको छोटे बच्चे हैं उनको बूस्टर डोज दी जाती है, टीबी टीका टीका खांसी का टीका इस तरह लगाया जाता है, उसी तरह से हम पौधों में भी बूस्टर डोज देते हैं। इसके लिए कापर कवकनाशी दवा, कीटनाशी दवा, उर्वरक या वृद्धि नियामकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप किसी भी कवकनाशी का 0.2% का जैसे दिखाया गया है थायराम कैप्टान कापर ऑक्सीक्लोराइड का 0.25% का घोल बना करके पौधों की जड़ों को पहले साफ पानी से नर्सरी से उखाड़ने के बाद साफ पानी से धो लीजिए और धोने के बाद जड़ों को 15 से 20 मिनट के लिए कवकनाशी दवा थायराम कैप्टान या कापर ऑक्सीक्लोराइड के घोल में डुबो कर रखें। कीटनाशी दवा के द्वारा भी हम कर सकते हैं, इसमें सेविन या मेलाथियन दवा आती है जिसमें 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके उसका घोल बना लेते हैं और उसमें 15 से 20 मिनट के लिए पौधों की जड़ों को डुबो कर रखते हैं। मेलाथियन में 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल करके रखते हैं और उसके बाद उसमें जड़ों को 15 से 20 मिनट के बाद दबा के रख सकते हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है तो आप यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें 1% का घोल बना करके 1 से 1.5% का उसमें पौधों की जड़ों को 10 से 15 मिनट के लिए डुबो के रखें और तत्पश्चात आप पौधों की रोपाई करें। और ये ध्यान रहे कि पौधों की रोपाई कभी भी आपको तेज़ धूप में नहीं करनी चाहिए, सदैव या तो बादल बदली हो या शाम को 3 बजे के बाद रोपाई करें, और उसके बाद रोपाई के बाद तुरंत पौधों को हल्की सिंचाई करें और सिंचाई के पश्चात आप
खेत में अधिक पानी न डालें, हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अब चौथा बूस्टर डोज के लिए आप वृद्धि नियामक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें NAA 1 से 10 से 20 PPM दवा, 240 2 से 5 PPM और जिब्रेलिक से 10 PPM का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें 240 का, जैसे मैंने आपको बताया था कि सोडियम साल्ट आता है 80% का, सोडियम फर्मोसाइट के नाम से, उसको आप ले लीजिए और 1.25 ग्राम दवाई को 1 लीटर पानी में घोल दीजिए, सीधे घुल जाता है। और उसमें से फिर आप 2 से 2 ml ले लीजिए, चाहे 5 ml ले लीजिए, और उसको फिर 1 लीटर पानी में घोल दीजिए, और जो आपका घोल तैयार हुआ है उस घोल में फिर आप पौधों को, जड़ों को 15 से 20 मिनट के लिए रखें और उसके बाद पौधों की रोपाई करिए। इसी प्रकार NA की 1 ग्राम मात्रा को थोड़े से अल्कोहल में घोलिए और उसके बाद फिर उसका वॉल्यूम 1 लीटर बना लीजिए, तो ये 1000 का PPM का सोल्यूशन हो जाएगा, 1000 सोल्यूशन का PPM का हो जाएगा। और इसमें से फिर आप 10 ml लेकर के फिर 1 लीटर में घोलिए, तो इस प्रकार से आपका 10 PPM का घोल तैयार हो जाता है। इसी तरह से 20 PPM का बना सकते हैं। ये आपको खेत में टमाटर की फसल लगी हुई दिखाई दे रही है। टमाटर की फसल में सिंचाई, टमाटर की फसल को 12 एकड़ इंच पानी की आवश्यकता होती है, और 1 इंच का अभिप्राय है कि एक एकड़ खेत में 1 इंच ऊंचाई तक जो पानी आप इकट्ठा करेंगे तो उसे 1 इंच बोलेंगे। तो टमाटर को 12 एकड़ इंच चाहिए, इसका मतलब है कि 12 इंच पानी 1 एकड़ खेत में भर जाए और उसका टोटल जो पानी का अमाउंट होगा उतने पानी की पूरे सीजन में टमाटर के पौधों को आवश्यकता पड़ती है। और इसकी प्रथम सिंचाई आप रोपाई के तुरंत बाद करें, और उसके बाद छिड़काव की विधि में सिंचाई कर सकते हैं, ड्रिप प्रणाली के द्वारा या बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा, क्योंकि आजकल पानी की कमी हो रही है, तो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या ड्रिप प्रणाली अधिक प्रभावशाली है। और जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, वर्षा नहीं होती है, वहाँ पर ये विधि बहुत ही प्रभावशाली पाई गई है। और इसके अलावा प्लास्टिक पाइप आते हैं सिंचाई के लिए, उनका भी इस्तेमाल प्रयोग करके हम सिंचाई कर सकते हैं। अब बात आती है खरपतवारों की। मित्रों, खरपतवारों की वजह से प्रत्येक सब्जी की फसल में हो, चाहे सीरियल की फसल हो, सब में हानि होती है। तो ऐसा पाया गया कि सब्जी की फसल में टमाटर की फसल में 40% हानि खरपतवारों की वजह से होती है, और टोटल सब्जियों में देखा जाए तो इसमें 20 से 70% की हानि होती है। और ये हर फसल में अलग अलग आंकड़े इसके दिए गए हैं, टमाटर में 40% है। इसके बाद कर्षण क्रिया की बात आती है खरपतवार नियंत्रण। आवश्यकता अनुसार आप जो है निराई गुड़ाई कर सकते हैं, और निराई गुड़ाई करके जो भी 1 वर्ष से खरपतवार होते हैं उनको आप निकालते रहिए। खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें एलाक्रोव 2.5 किलोग्राम सक्रिय अवयव प्रति हेक्टेयर के हिसाब रोपाई के पहले छिड़काव करें, और उसके फिर 45 दिन बाद दूसरा छिड़काव करें। लेकिन ध्यान रहे कि छिड़काव के बाद फिर आपको 45 दिन तक खेत में कोई भी निराई गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि इस रसायन की एक हल्की सी तह सतह पर बन जाती है, जो खरपतवारों को, बीजों को उगने से रोकती है। यदि ये दवा आपको नहीं मिलती है तो आप सीधे सीधे भी घोल बना सकते हैं। 5 मिलीलीटर दवा एलाक्रोल 50% का आता है बाजार में, तो इसको सीधे सीधे आप 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके इसको छिड़काव कर सकते हैं, और उसके बाद फिर 45 दिन दूसरा निराई, पहली निराई की बात करें, तो इस तरह से आप खरपतवारों से फसलों की रक्षा कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रेनिंग की, और या सहारा देना। तो जितनी मैंने जो अल्प परमित वाली या परमित वाली जो प्रजातियां हैं उनमें इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अपरिमित वाली वृद्धि की प्रजातियां होती हैं उसमें ट्रेनिंग की और सहारा देने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधा काफ़ी बढ़ता है और ज़मीन पर फैल जाता है, और फैलने की वजह से जो फल आते हैं वो भूमि पर मिट्टी से छूते हैं और उसकी वजह से फल सड़ने लगते हैं। तो उससे बचाने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसको हम ट्रेनिंग के सहारे, बाँस के खपच्चों के सहारे या लकड़ी की सहारे या उस पर जो है तारों के सहारे उनको चढ़ाते हैं। और अच्छा हो कि जब आप तारों पर चढ़ा रहे हैं या सुतली से बांध के चला रहे हैं तो एक पौधे में 1 या 2 शाखाएँ रखें, और अधिक जो शाखाएँ निकलती हैं उनको काट दें, तो इससे अच्छी फसल मिलेगी। ये आपको दिखाए किसान के खेत के ही एक फोटोग्राफ है,
ये देखिए इन्होंने ये बांस के पौधे बांध रखी हैं और इन्हें प्रत्येक बांस के साथ में रस्सी बांध रखी है और उस रस्सी के साथ में प्रत्येक पौधे को बांध रखा है। तो ऐसा करने से एक तो इसमें जो हमारे पौधे में फल मिट्टी से छूते हैं और ख़राब हो जाते हैं उसकी बचत होती है, दूसरा निराई गुड़ाई करने में भी आसानी होती है और खरपतवारों भी हम आसानी से निकाल सकते हैं और इससे फलत भी अच्छी होती है। ये दूसरा आपको दिखाया गया, इसमें मोटे मोटे डंडे आपको देख रहे हैं ये लगाए गए, इसके सहारे ये रस्सी लगाई गई है, तार भी लगा सकते हैं और इस रस्सी के सहारे पौधों को फिर बांध दिया जाता है और इस प्रकार से बांधने से पौधे ऊपर ट्रेन होते रहते हैं और फल होते रहते हैं। अब बात आती है मित्रों टमाटर में एक समस्या है कि कभी कभी टमाटर में जो फूल आते हैं उसमें चार पाँच पाँच छः छः फूल एक गुच्छी में आते हैं और उसमें से दो तीन फूल बन पाते हैं और बाकी गिर जाते हैं। और इसमें ये जो आप सामने देख रहे हैं टमाटर में जो बेतनियाम का उपयोग किया गया है ये पंतनगर में किए गए परीक्षणों का परिणाम है। इसमें पाया गया है कि सीपा और PCPA का घोल यदि 20 मिलीग्राम यानी कि 20 PPM का घोल अगर छिड़काव करते हैं रोपाई के 30 दिन बाद 45 दिन बाद और 60 दिन बाद तो आपको अच्छी फलत मिलेगी। इसी तरह से 240 का छिड़काव 5 PPM का घोल बना करके आप रोपाई के 30 दिन के बाद 45 दिन के बाद 60 दिन के बाद खड़ी फसल में करते हैं जाड़े के दिनों में तो आपको पैदावार में 30-35% की वृद्धि पाई गई है। और यदि इसी को आपको गर्मी के दिनों में करना हो तो आप इसको फिर 25 दिन की अवस्था पर और उसके बाद फिर 35 दिन की अवस्था पर और फिर 55 दिन की अवस्था में इस तरह से आपको 15-15 के अंतर से इसको छिड़काव करना है। इसके अतिरिक्त NA 40 PPM का घोल नेफ्थलीन एसिटिक एसिड बाजार में मिलता है और ये बाजार में उपलब्ध है। इसकी 40 मिलीग्राम प्रति लीटर की हिसाब से घोल बना करके इसके तीन छिड़काव 30 दिन बाद 45 दिन 60 दिन बाद करने से पौधों में वृद्धि भी अच्छी होती है और फलत भी अच्छी होती है। इसके अलावा इसमें CPA जिसको सीपा बोला जाता है 20 PPM का घोल बना करके ये छिड़कते हैं और तीन छिड़काव जैसे ऊपर बताए गए 30-45-60 दिन की अवस्था पर करने से इसमें 40-50% की वृद्धि पाई गई है। इसके अलावा पैकला भी तो जो मित्रों आपने सुना होगा कि आम के बागों में इसका बहुत प्रयोग होता है फूल लाने के लिए तो हमने इसका प्रयोग टमाटर में भी किया और इसमें पाया गया कि इसका 100 से लेकर के 300 ppm का घोल छिड़का जाता है तो इससे काफ़ी फायदा होता है। अब आती है बात फसल सुरक्षा की तो टमाटर की फसल में कई तरह के कीड़े लगते हैं जिसमें माहू है ये जिसको एफिड भी कहते हैं। इसमें रोगर दवा 0.1% के घोल बना कर छिड़ सकते हैं। यदि आपको ये दवा नहीं मिलती है तो आप सीधे सीधे जो बाज़ार में सर्फ पाउडर मिलता है आप उसका 2-3 ग्राम सर्फ पाउडर 1 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर देते हैं तो माहू को आप मार सकते हैं। दूसरा सफ़ेद मक्खी ये बहुत ही हानिकारक कीड़े है और ये बैंगन पर बहुत रहता है तो इससे बचाव के लिए क्योंकि यही मक्खी है जो पौधों से रस चूस के एक पौधे से दूसरे पौधे को नुकसान करती है तो इससे बचाव के लिए मेटासिस्टाल दवा 1 लीटर पानी में घोल करके 15-20 दिन के अंतर पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि 240 का आप छिड़काव करते हैं तो इस सफ़ेद मक्खी से बचा जा सकता है और उसमें वायरस की बीमारी कम आती है क्योंकि 240 छिड़कने से पौधे की जो त्वचा होती है ऊपर का जो छिक्कल होता है वो कठोर हो जाता है और उसमें फिर सफ़ेद मक्खी रस नहीं चूस पाती है जिसकी वजह से वायरस जो विषाणु है वो नहीं फैलता है और आपकी फसल बच जाती है और पैदावार अधिक होती है। इसके बाद आता है कुतरा कीट भी लग जाता है छोटे पौधे होते हैं तो उस समय वो काट देता है उनको काटने के बचाने के लिए आप सेविन नामक दवा या एमिडा क्लोरपीट 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर देते हैं तो इससे फसल सारे कीड़े कुतरा कीट मर जाते हैं। और इससे बचाव के लिए जब आप रोपाई करते हैं खेत में तो उसमें अगर 10-15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से थीमेट या 20-25 किलोग्राम फ्यूरोटन डाल देते हैं तो कुतरा कीट से बचा सकता है।
इसके बाद आता है फलभेदक कीट। फलभेदक कीट नवंबर में लगाई गई फसल में बहुत ज़्यादा हानि करता है, कहने का मतलब है जो ग्रीष्मकालीन फसल होती है उसमें बहुत ज़्यादा हानि करता है। तो फूल आने की अवस्था पर अक्सर किसान भाई फूल तब करते हैं जब उनको दिखाई देता है फल का कीड़ा आ चुका है। तो इसका छिड़काव आपको जब फूल खिलते नहीं हैं, बंद रहते हैं, उसी अवस्था में पहला छिड़काव, और उसके बाद 10 दिन बाद फिर दूसरा छिड़काव, और उसके 10 दिन बाद तीसरा छिड़काव करते हैं। और ध्यान रहे कि इस दवा को छिड़कने के बाद आपको कम से कम 7 दिन तक उससे फल नहीं लेने चाहिए, और इसमें 2 ग्राम सेविन 1 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर देते हैं, तो इससे कीड़ों को मारा जा सकता है। अब यह है, ये सामने आप देख रहे हैं, ये मेरा फोटोग्राफ है, और ये टनल सिस्टम या सुरंगनुमा गुफा बना करके इसमें पौध तैयार की गई थी, और उसके बाद में फिर इसमें पौधे छोड़ दिए गए हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है जाड़े के दिनों में इस तरह से हम पौधे टमाटर के इसमें उगा सकते हैं। अब बाकी ये इम्पोर्टेंट हानिकारक जो कीड़े हैं, इसमें फ्रूट बोरर है, वाइट फ्लाई है, लीफ कीटी, कैटरपिलर है, एफिड है, टर्माइट है, कटवर्म है, लीफ माइनर है, रूट नॉट निमेटोड है। ये बहुत सारे रूट नॉट निमेटोड की सबसे अच्छा उपाय है कि आप खेत में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से, 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से लकड़ी का बुरादा डाल देते हैं तो निमेटोड की बीमारी नहीं आती है। इसके अलावा फसल सुरक्षा से अगर देखा जाए तो इसमें आर्द्र विघटन लगता है जिसमें पौधे नर्सरी में ही मरते हैं। तो यदि आपने ठीक से उपचार कर रखा है तो 75% समस्या आपकी दूर हो जाती है, और इसके लिए सौरीकरण विधि मैंने आपको बताई थी वो सबसे अच्छी है। बीज बोने से पहले आप क्यारी का सौरीकरण करिए और उसके बाद उसको बोइए। आर्द्र विघटन से बचाने के लिए बीज का उपचार थायराम या कप्टान से करें, और पछेती अंगमारी और अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी अधिक नमी की अवस्था में लगती है जिसकी बचाव के लिए आप डाइथेनेम या जिनेब 0.25% का घोल बना करके उसका छिड़काव 15 दिन के अंतर पर 2-3 बार कर देते हैं तो आप इससे बचा सकते हैं फसल को। अगेती फसल जो है सूखे क्षेत्र में जहाँ वर्षा कम होती है या पानी का अभाव होता है वहाँ पर लगती है, और पौधों पर हल्के भूरे भूरे के धब्बे आ जाते हैं। इससे बचाव के लिए आप 0.25% का घोल जिनेब का या डाइथेनेम 45 को बना कर छिड़कते हैं तो इस बीमारी से बचा सकता है। इसके अलावा फल गलन रोग लगता है, जो फल नीचे सड़ने लगते हैं उनसे बचाने के लिए 0.25% का घोल छिड़काव आप करें तो आप फल फसल को बचा सकते हैं। मिलानी 2-3 तरह की होती है, एक जीवाणु के द्वारा होती है, एक पानी के द्वारा होती है, और एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो पानी के द्वारा जो होती है वो 24 घंटे के बाद पौधे मुरझाने शुरू कर देते हैं, वो बाद में पौधे ठीक हो जाते हैं, लेकिन जीवाणु के द्वारा जो मिलानी लगती है इसमें 24 घंटे के अंदर पूरे पौधे मर जाते हैं। और तीसरी होती है फ्यूजरियम विल्ट, ये कवक की वजह से होती है जिसमें पौधा धीरे धीरे मुरझाता है, या कभी कभी 1-2 ब्रांच पौधे की ये जो शाखा है वो मुरझाने लगती है। तो ये तीनों की अलग अलग पहचान है। इसके लिए कापर ऑक्सीक्लोराइड और उसके साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा का छिड़काव आप करते हैं पौधों के ऊपर तो आप पौधों को बचा सकते हैं। अब आई बात मोजेक की, तो मोजेक को बचाने के लिए लीफ कर्ल, पर्ण कुंचल और मोजेक दोनों वायरस से होने वाली बीमारी हैं, और जितने चूसने वाले कीड़े हैं उनकी रोकथाम यदि आप समय से कर लेते हैं तो आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके लिए रोगर या एमिलाक्लोवर पे 0.1% का घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो आपकी फसल इन कीड़ों से बच जाएगी। अब बात आती है फसल की तुड़ाई, तो टमाटर के फलों की तुड़ाई 3 अवस्थाओं में की जाती है, परिपक्व या हरी अवस्था में जहाँ दूर स्थानों पर आपको भेजना है उस समय तोड़ें, और जब कम दूरी वाला बाज़ार है तो वहाँ पर हल्के आधा फल लाल हो चुका है या गुलाबी रंग उसका टर्निंग स्टेज बोलते हैं उस हिस्सा में आप तोड़ लीजिए, और तोड़ने की वजह और तोड़ाई हमेशा शाम के समय करिए या बहुत सुबह करिए, और उसके बाद छांट करके पौधों को फलों को बाज़ार भेजिए। तीसरी है सख्त या परिपक्व अवस्था में स्थानीय बाज़ार एवं घरेलू उपयोग हेतु थोड़े सख्त फलों का ही किया जाता है जिससे कि कमरे के तापमान पर फलों को आसानी से रखा जा सके। और एक है पूर्ण परिपक्व अवस्था में संसाधन हेतु, जैसे आपको इससे केचप बनाना है, पूरी बनाना है या सॉस बनानी है तो इसको पूरी तरह से पककर लाल होने दीजिए फल को, और उसके बाद फिर उसकी तुड़ाई करिए। और जो बीज के लिए आपने फसल बो रखी है उसमें पूर्णतः लाल हो जाए, क्योंकि कभी कभी टमाटर में क्या होता है कि ऊपर से फल लाल हो जाते हैं लेकिन अंदर से फल कच्चे होते हैं जिसकी वजह से वो बीज जो है पका हुआ नहीं होता है और बाद में फिर बीज का अंकुरण कम हो जाता है।
इसलिए जो बीज वाली फसल है उसको पूरी तरह से पकने दें और उसके बाद फलों की चुराई करें। अब बात आती है उपज। मित्रों, टमाटर की पैदावार जो है प्रजातियों के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन यह सभी कार्य आप समय से करें, उचित मात्रा में खाद का उपयोग करें, प्रजातियों का अच्छा चयन करें, प्रमाणित संस्था से बीज उपलब्ध कराएं, तो आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। सामान्य प्रजाति में 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज और संकर प्रजाति में 450 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त हो सकती है और होती है। ये जो आंकड़े हैं ये आपको परीक्षणों पर आधार दिए गए हैं। पॉली हाउस में इसकी उपज 2200 क्विंटल, जो मैंने आपको बताया था पंत पॉली हाउस टमाटर 2, पंत पॉली हाउस संकर टमाटर 1, इसकी उपज हमको 1500 क्विंटल से लेकर के 2200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिली है। अब ये कुछ प्रजातियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पंत बाहर की प्रजाति है, पंतनगर से निकाली गई है और ये पंत T3, इसकी पैदावार जो है काफ़ी है और ये शीतकालीन उसके लिए बहुत अच्छी है और उसके फल बड़े आकार के होते हैं। तीसरी पंत T4 और ये टमाटर की हमने करीब 12 वैरायटी निकाली थी, जिसमें इनका 2 वैरायटी पंत बाहर और पंत T3 देश में किसानों के लिए अनुमोदित की गई। ये पंत पॉली हाउस टमाटर 1, ये पंतनगर से विकसित हुआ है और ये पॉली हाउस के लिए पहली बार पूरे भारतवर्ष में निकाला गया है। ये दूसरी है पंत पॉली हाउस टमाटर हाइब्रिड 1, ये भी एक पहला हाइब्रिड है जो पॉली हाउस के लिए प्रथम बार निकाला गया है और पंतनगर में, और इसके फल जो हैं काफ़ी 100 से 110 ग्राम तक के पाए गए हैं और इसकी पैदावार 2100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पाई गई। ये चेरी टोमेटो है, ये पॉली हाउस के अंदर आप किस तरह से टमाटर उगाते हैं उसके लिए फोटोग्राफ है। ये अर्का आभा IIHR से निकाली गई प्रजाति है जिसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है। इसके ये कटे हुए फल और ये आप देखिए इस बीज की मात्रा, ये जो लॉक्यूल्स हैं जितने ज़्यादा लॉक्यूल्स होंगे उसकी बीज की मात्रा अधिक होगी, तो इसमें 4-5 लॉक्यूल होते हैं, इसमें 4 दिखाए गए हैं और इसकी पैदावार बहुत अच्छी है। स्वर्ण संपदा ये प्रजाति निकाली गई है रांची से। ये स्वर्ण समृद्धि है, ये प्रजाति भी उन्नतशील प्रजाति है। गमले में भी आप चेरी टमाटर को देख, ये डिटर्मिनेट टाइप के देखिए, ये है डिटर्मिनेट जो मैं आपको बताया था कि डिटर्मिनेट की परमिटिविटी कैसा होता है। इसमें पौधा बढ़ा और एक इंची की ऊंचाई पर जा करके जो इसकी टर्मिनल बड है वो फ्लावर बड में कन्वर्ट हो गई और ये पूरा पौधा आपको बोना और गुच्छे में जैसा दिखाई देता है। ये इसके ये अपरिमित प्रजाति हैं, उसका फल है चेरी टमाटर का। चेरी टमाटर की होटलों में बहुत मांग है, आजकल बढ़ गई है। ये गमले में किस तरह से पौधा लगाते हैं उसका एक फोटोग्राफ है, ये फल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये गमले में पौधा लगा हुआ है, ये चेरी टमाटर गमले के अंदर है। ये F1 स्वर्ण समृद्धि, ये संकर किस्म है, इसकी पैदावार बहुत है। दूसरी स्वर्ण संपदा, इसके बाद ये इसके फल दिखाई दे रहे हैं। F1 हाइब्रिड है जो इसी क्रॉस से निकाला गया है और ये रेजिस्टेंट बैक्टीरियल विल्ट के लिए रेजिस्टेंट है और ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है। इसकी पैदावार 1100 से है। दूसरा जो है स्वर्ण वैभव, जिसकी पैदावार 900 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और तीसरी आपकी ये स्वर्ण नवीन, जिसकी पैदावार 600 से 650 क्विंटल आई है और ये झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश के लिए अनुमोदित की गई है। उसके बाद IIBR बनारस से भी प्रजाति निकली है, जिसमें काशी शरद, जिसकी पैदावार आपको 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अनुमोदित की गई है। दूसरी स्वर्ण लालिमा है, ये इसकी पैदावार 600 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये स्वर्ण समृद्धि है, जिसकी पैदावार 1000 से 1050 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आई गई है। काशी अमृत, काशी से निकाली गई दूसरी काशी विशेष H, ये संकर के
संक्रमण के द्वारा निकाली गई हैं और ये लीव कर्व वायरस के लिए टॉलरेंट है। इसकी पैदावार 600 से 650 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए अनुमति की गई है। और ये काशी अमृत उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लिए ली गई है। और तीसरी प्रजाति काशी हेमंत सिलेक्शन वन के नाम से इसको टेस्ट किया गया और इसकी पैदावार 400 से 420 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पाई गई है। ये है मुझे इस तरह का अगर पौधा आपके खेत में हो जाता है तो इसमें आपको कोई भी पौधा दिखाई देता है तो आप उसको तुरंत निकाल के कलर कर दीजिए। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो इस पर कोई फूल नहीं आएगा, कोई फल नहीं आएगा। और मैं तो एक चीज़ बता दूँ, जिस खेत में बोरल की आपको समस्या है तो उसके किनारे किनारे आप दो लाइनों के बीच में एक एक लाइन छोड़ के जब गेंदा उगाते हैं तो गेंदे की वजह से, क्योंकि सफ़ेद मक्खी पीली चीज़ों को देख करके ज़्यादा आकर्षित होती है, तो यदि के बीच में गेंदा आप लगा देते हैं तो सफ़ेद मक्खी गेंदे पर चली जाएगी और वो जो बोरर है जो उसका कीड़ा छेद करता है फलों में वो भी फलों उस गेंदा के फूलों पर पहुंच जाएगा तो आपकी फल में फसल में कम से कम नुकसान होगा। धन्यवाद मित्रों, आशा है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न अथवा सुझाव है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मेल कर सकते हैं। भविष्य में एग्रीकल्चर की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल एग्री अकादमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।